दोस्तों तारीख थी 1 मार्च 2024। घड़ी की सुइयां दिन के 12:30 बजने का इशारा कर रही थी और बेंगलुरु के ब्रू फील्ड आईटी कॉरिडोर में सिचुएटेड फेमस रामेश्वरम कैफे में हर रोज की तरह लोगों का आना जाना लगा हुआ था। कोई एक कोने में खड़े होकर कॉफी सिप कर रहा था तो किसी का ध्यान शांति से अपना लंच कम्प्लीट करने पर था कि तभी दोस्तों अचानक से एक जोरदार धमाका होता है और देखते ही देखते कैफे आग की लपटों में झुलसने लगता है। शुरुआत में सबको लगता है कि ये ब्लास्ट गैस लीक के चलते हुआ होगा, लेकिन जब पुलिस इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करती है तो एक हैरान कर देने वाली जानकारी सामने आती है। दरअसल दोस्तों जांच के दौरान पुलिस को पता चलता है कि कैफे में हुआ ब्लास्ट किसी गैस लीक के चलते नहीं हुआ था, बल्कि इस ब्लास्ट को तो किसी स्लीपर सेल ने डेलिबरेटली एक स्लो इंटेंसिटी IED यानी इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस के जरिए अंजाम दिया था। दोस्तों स्लीपर सेल्स वही होते हैं जिन्हें टेररिस्ट आउटफिट्स के इनविजिबल वेपन्स कहा जाता है और जिनका मकसद डर और दहशत का राज कायम करना होता है। लेकिन रामेश्वरम कैफे में हुआ ये ब्लास्ट ऐसा कोई पहला मौका नहीं था दोस्तों जब किसी स्लीपर सेल की हरकत से कर्नाटका का जूल कहे जाने वाला बेंगलुरु इस तरह दहल उठा हो। डेटा पर नजर डालें तो पता चलता है कि बीते 20 सालों में बेंगलुरु के अंदर इसी तरह के मल्टीपल बॉम्ब ब्लास्ट और अटैक्स हो चुके हैं। एग्जाम्पल के लिए 2014 में इसी तरह की घटना कोकोनट ग्रूव रेस्टोरेंट में देखी गई थी, जिसमें एक 37 वर्षीय महिला की मौत हो गई थी और 4 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए थे। सिमिलरली 2013 में ऐसा ही एक ब्लास्ट देश की एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस के पास भी हुआ था और यहां तक कि साल 2010 में तो इन आईडी का निशाना सिटी का फेमस चिन्नास्वामी स्टेडियम भी बना था। वैसे तो दोस्तों ये सभी ब्लास्ट अलग अलग टाइम पीरियड में हुए थे जिनके पीछे अलग अलग टेरर ग्रुप्स का हाथ था, लेकिन इन सब अटैक्स में एक फैक्टर कॉमन था और दोस्तों वो ये था कि इन सभी घटनाओं को अंजाम देने में स्लीपर सेल्स ने काफी प्रोमिनेंट रोल प्ले किया था, जैसे ग्राउंड इंटेल गैदर करना, IEDs को प्लांट करना और लोकल रिसोर्सेज की मदद लेना एक्सेट्रा। लेकिन आखिर ये स्लीपर सेल्स एग्जैक्टली होते क्या है? तो देखिए दोस्तों स्लीपर सेल्स एक तरह का नेटवर्क होता है जिससे जुड़े लोग अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर आम जिंदगी जीते हैं, लेकिन जब उन्हें अपने आकाओं से आदेश मिलता है तो वो इस नॉर्मल लाइफ को छोड़कर हर तरह की टेररिस्ट एक्टिविटीज को अंजाम देने का काम करते हैं। स्लीपर सेल आपके घर सब्जी बेचने आने वाला कोई व्यक्ति हो सकता है या किसी बड़ी IT कंपनी में काम करने वाला आपका कोई पड़ोसी। अब क्योंकि ये लोग हमारी और आपकी ही तरह सोसाइटी के कॉमन सेक्शन के पार्ट होते हैं, इसीलिए इन्हें डिटेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है और साल दर साल बेंगलुरु में बढ़ रही स्लीपर सेल एक्टिविटीज को देखते हुए कर्नाटका पुलिस ने ईयर 2022 में तत्कालीन चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई को एक रिपोर्ट सबमिट की थी, जिसमें पुलिस ने सिटी के अंदर 18 टेरर स्लीपर सेल्स को आइडेंटिफाई करने का दावा किया था। सिमिलरली NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने भी अपनी एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया था कि ईयर 2014 से 2018 के बीच JMB यानी जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश के बेंगलुरु में लगभग 20 से 22 हाइड प्रेजेंट थे और 2014 में जो बर्दवान बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उसमें भी इसी JMB टेरर ग्रुप के स्लीपर सेल्स का हाथ था जो उस समय बेंगलुरु के इन्हीं हाइड में छुपे हुए थे। और दोस्तों इस पर जब हमने थोड़ी रिसर्च की तो हमें पता चला कि असल में इंडिया में पिछले 20 साल में लगभग 180 से भी ज्यादा टेररिस्ट ग्रुप्स को आइडेंटिफाई किया गया है जो ट्रांसनेशनल टेरर नेटवर्क की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि ऐसा नेटवर्क जो मल्टीपल कंट्रीज में प्रेजेंट हो। ये सारे के सारे ग्रुप्स साउथ एशियन कंट्रीज जैसे बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान से ही बिलोंग करते हैं और बीते कुछ सालों में इनकी प्रेजेंस देश के कई शहरों में बढ़ी है, जैसे दिल्ली, कोलकाता और हैदराबाद। लेकिन देश का जो शहर इस तरह की एक्टिविटी से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है वो है बेंगलुरु। और दोस्तों यही कारण है कि NIA और दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने अपनी कई रिपोर्ट्स में बेंगलुरु को होम टू स्लीपर सेल्स का टैग दिया है। और ऐसे में सवाल है कि आखिर बेंगलुरु में ऐसा क्या है जिसके चलते इंडिया का IT हब माने जाने वाला ये शहर स्लीपर सेल्स का होम बनते जा रहा है? वो कौन सी यूनिक ताकतें हैं जो इन स्लीपर सेल्स की मदद कर रही हैं और क्यों बेंगलुरु पर स्लीपर सेल्स का ये साया इंडियन अथॉरिटीज की नींदें उड़ा रहा है? क्या है कहानी इंडिया में स्लीपर सेल्स के नए टाउन की? आइए जानते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशांक पांडे और आप देख रहे हैं वर्ल्ड अफेयर्स। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़े, मैं आप सभी से बताना चाहता हूं कि अन अकेडमी का UPSC CSE सब्सक्रिप्शन जो कि आपकी तैयारी करा सकता है अभ्यर्थी से अधिकारी तक की, वो अवेलेबल है अभी एक अनबिलीवेबल 24,999 रुपए की प्राइसिंग में। और दोस्तों ये वही सब्सक्रिप्शन है जिसके प्लस कोर्सेज ने UPSC CSE 2023 में 70 से ज्यादा सिलेक्शन दिए हैं, जिसमें आपको मिलता है कम्प्लीट एक्सेस GS CSAT टेस्ट सीरीज का और साथ ही अनलिमिटेड एक्सेस ऑल बैचेस का। तो अभी जाइए दोस्तों और इस ऑफर का फायदा उठाइए, क्योंकि ये ऑफर केवल वैलिड है 12 सितंबर तक। और चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं।
द स्लीपर सेल कनेक्शन ऑफ बेंगलुरु। दोस्तों, बैंगलोर या बेंगलुरु इंडिया का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब है और ये शहर अकेला इंडिया की जीडीपी में $300 बिलियन तक का कंट्रीब्यूशन करता है। मगर आज इस शहर के सामने स्लीपर सेल्स नाम की एक बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है यहाँ हो रहा इलीगल माइग्रेशन। उसको हम जानते हैं कि इंडिया चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और ऐसे ही कई देशों के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है, लेकिन पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार वो चार कंट्रीज हैं जहां से इंडिया में सबसे ज़्यादा बड़े स्केल पर इलीगल माइग्रेशन होता है। बीते कुछ दशकों में हमारे आर्म फोर्सेस और गवर्नमेंटल अथॉरिटीज पाकिस्तान और इंडिया के सेंसिटिव रिलेशंस को देखते हुए इंडिया पाक बॉर्डर को काफी हद तक सिक्योर करने में कामयाब रही हैं, जिसके चलते देश के वेस्टर्न फ्रंट से होने वाला इलीगल इमिग्रेशन कुछ हद तक कंट्रोल हुआ है। लेकिन इसी ड्यूरेशन में देश का ईस्टर्न फ्रंट काफी कमजोर हुआ है। रिसेंटली आपने सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोज देखी होंगी कि आज बांग्लादेश से इंडिया में एंटर करना कितना आसान है, एंड सिमिलरली जो लोग ईस्टर्न फ्रंट से इंडिया में माइग्रेट नहीं कर पाते हैं वो नेपाल के सहारे इंडिया में बड़ी आसानी से एंटर कर जाते हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि आज हर दिन 10 से 15 बसेस नेपाल से माइग्रेंट वर्कर्स को इंडिया के यूपी, बिहार और सिक्किम जैसे स्टेट्स में लेकर आती हैं। और वैसे तो इनमें से ज्यादातर लोग प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ इंडिया में आते हैं, लेकिन बॉर्डर के दोनों साइड ऑपरेट करने वाले ब्रोकर या डीलर्स कुछ लोगों को बिना पेपर्स के भी इंडिया में एंट्री दिला देते हैं। ऐसे ही सिनारियो बांग्लादेश और म्यांमार के केस में भी देखने को मिलते हैं दोस्तों, जहां के लोग बेटर अपॉर्चुनिटी की तलाश में इंडिया का रुख कर रहे हैं और फिर गैर कानूनी तरीके से भारत में ही रहने लगते हैं। 2018 में होम मिनिस्टर अमित शाह ने अपने एक बयान में बताया था कि गवर्नमेंट ने 40 लाख से ज्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स को आइडेंटिफाई किया है, लेकिन दोस्तों ये एनआरसी का फर्स्ट ड्राफ्ट कर देता था, जो फाइनल लिस्ट में 19 लाख के करीब कोट हुआ। लेकिन 19 लाख भी अपने आप में बहुत बड़ा नंबर होता है। इन इमिग्रेंट्स में सबसे लार्जेस्ट नंबर बांग्लादेश के माइग्रेंट्स का ही था और बांग्लादेश भारत के 5 स्टेट्स यानी वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के साथ बॉर्डर शेयर करता है और इन सभी स्टेट्स की बॉर्डर्स काफी पोरस हैं। ऊपर से दोस्तों वहां का टेरेन भी काफी मार्शी लैंड और फॉरेस्ट से भरा हुआ है, जिसके चलते इन्हें पूरी तरीके से मॉनिटर या सिक्योर करना भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। साथ ही देश में प्रेविलेंट करप्ट प्रैक्टिसेस इस तरह के इलीगल इमिग्रेशन को कंट्रोल करना और ज्यादा मुश्किल बना देती हैं। और इसे अगर एक उदाहरण के साथ समझें तो साल 2018 में इंडियन अथॉरिटीज ने बीएसएफ के एक कमांडेंट को 45 लाख की ब्राइब लेते हुए अरेस्ट किया था और फर्दर इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई थी कि उसने ये ब्राइब कुछ लोगों को बांग्लादेश से इंडिया में एंट्री दिलाने के लिए लिए थे। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि बांग्लादेश, म्यांमार या नेपाल से आने वाले इलीगल इमिग्रेंट्स और बेंगलुरु में पड़ रहे स्लीपर सेल्स के नंबर का आखिर क्या कनेक्शन है। तो दोस्तों, दरअसल बांग्लादेश या नेपाल से आने वाले सभी इलीगल माइग्रेंट्स का ऑब्जेक्टिव इंडिया में आकर बेहतर जीवन जीना या काम करना नहीं होता, बल्कि इनमें से कुछ लोग आतंकी मंसूबों को दिल में लिए भारत में घुसने की कोशिश करते हैं। आज ये एक वेल नोन फैक्ट है दोस्तों कि पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप्स नेपाल और बांग्लादेश का इस्तेमाल एंटी इंडिया एक्टिविटीज को रन करने के लिए करते हैं, और रॉ ऑलरेडी कई दफा इस बात को हाईलाइट कर चुका है कि आज नेपाली सॉइल पर आतंकवादियों को ट्रेन किया जा रहा है ताकि इलीगल माइग्रेंट्स के बीच उन्हें छुपाकर इजीली इंडिया में उन्हें मोबिलाइज कर दिया जाए। ऐसी सिमिलर सिचुएशन बांग्लादेश और म्यांमार के केस में भी देखने को मिल रही है दोस्तों, जहां इलीगल इमिग्रेंट्स के बीच छुपकर ये स्लीपर सेल्स इंडिया में आ रहे हैं। और दोस्तों, इंडिया में एंटर करने के बाद ये स्लीपर सेल्स देश के बड़े शहरों का रुख कर रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा सेंटर बन रहा है आज की डेट में बेंगलुरु। और दोस्तों, ऐसा होने के पीछे दो बड़ी वजहें हैं। नंबर एक, कि इलीगली इंडिया में एंटर करने वाले ये स्लीपर सेल्स ऐसी जगह रहना चाहते हैं जहां इन्हें आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो, और ऐसे में बड़े शहरों का कॉम्प्लेक्स सोशल इकोसिस्टम उन्हें वो ग्राउंड प्रोवाइड करता है जहां वो बिना किसी की नज़र में आए इजीली रह सकते हैं। क्योंकि बेंगलुरु एक बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटी है जो ऑलरेडी काफी ओवरक्राउडेड है, और लेटेस्ट डेटा के हिसाब से करेंटली यहाँ की पॉपुलेशन 1,40,00,000 से भी ज्यादा है, और सिटी के कुछ एरियाज तो इतने क्राउडेड भी हैं कि आसपास वालों को भी नहीं पता चलता कि उनके पड़ोस में कौन रहने आया है और वो क्या करता है। दोस्तों, ये वो पहली वजह है जिसके चलते आज बेंगलुरु स्लीपर सेल्स की ड्रीम डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। और इसी तरह बेंगलुरु के स्लीपर सेल टाउन बनने की दूसरी वजह है इस सिटी का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। दोस्तों, आज बेंगलुरु सिलिकन वैली ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर है, जहां सैकड़ों कंपनीज काम कर रही हैं, जिसके चलते यहां के इकोसिस्टम में कई तरह की और जॉब्स भी प्रेजेंट है, जैसे बार्बर, कुक, धोबी और सफाई वाला एटसेट्रा। इस तरह की जॉब इन स्लीपर सेल्स को एक परफेक्ट आइडेंटिटी प्रोवाइड करती है जिस पर किसी की भी नजर नहीं जाती।
लेकिन दोस्तों बेंगलुरु में मौजूद सभी स्लीपर सेल्स बाहर से माइग्रेट होकर नहीं आए हैं, बल्कि अगर इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज की माने तो बेंगलुरु के कई लोकल रेजिडेंट्स भी पाक बेस्ड टेरर ग्रुप्स के कॉन्टैक्ट में हैं। ऐसे स्लीपर सेल्स यहाँ की आम जनता का हिस्सा है जो अपनी फैमिलीज के साथ रहते हैं और ये लोग जनरली रोजमर्रा वाले काम करते हैं। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस तरह के स्लीपर सेल्स राममूर्ति नगर, मारताहल्ली, बंदेपल्ल्या, वर्थूर, बेलंदूर और हिब्बागोड़ी जैसे हिस्सों में कॉन्सेंट्रेटेड हैं। हालांकि इस क्लेम को क्रॉस वेरीफाई करना इन स्लीपर सेल्स की सीक्रेट आइडेंटिटी की वजह से काफी मुश्किल है। लेकिन दोस्तों, बेंगलुरु में स्लीपर सेल्स की प्रेजेंस का नुकसान सिर्फ सिटी की आम जनता को ही नहीं उठाना पड़ता है, बल्कि इसका असर कुछ उन वर्कर्स पर भी पड़ रहा है जो देश के दूसरे कोनों से बेंगलुरु काम की तलाश में आते हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि आज बेंगलुरु में बिहार, यूपी और झारखंड जैसे राज्यों से लेबर वर्कफोर्स काम करने आती है और स्टेट के अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रही 75% से ज्यादा वर्कफोर्स देश के बाकी राज्यों से ही आती है। ये माइग्रेंट्स अक्सर ऐसे जॉब्स लेते हैं जो नेटिव वर्कर्स करने के लिए तैयार नहीं होते, जैसे कि एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन और लो स्किल मैन्युफैक्चरिंग वर्क एटसेट्रा। दोस्तों, ये वो जॉब्स होती हैं जो इनफॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा होती हैं, जिसकी वजह से रिक्रूटमेंट से लेकर सैलरी पेमेंट तक सब कुछ इनफॉर्मली होता है। दूसरी तरफ बिजनेसेस को भी ऐसे ही लोगों को रिक्रूट करके फायदा मिलता है, क्योंकि इससे उनकी लेबर कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, जिससे अल्टीमेटली कंज्यूमर प्राइसेस को नीचे लाया जा सकता है। यहाँ पर काम करके जो थोड़े पैसे इन माइग्रेंट वर्कर्स को मिलते हैं, उससे ये अपना और अपने परिवार का जीवन यापन करते हैं और पैसे की कमी की वजह से इन्हें अक्सर मुश्किल हालात में रहना पड़ता है, जिसके चलते ये सोसाइटी का सबसे वल्नरेबल ग्रुप बन जाते हैं। आज स्लीपर सेल्स इस ग्रुप की इसी कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं और इन्हें भी अपने साथ रिक्रूट करने की कोशिश कर रहे हैं और वो इन्हें इलीगल एक्टिविटीज में हिस्सा लेने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफर कर रहे हैं। और कई केसेस में तो इन माइग्रेंट वर्कर्स को भी नहीं पता चलता कि वो कब माइग्रेंट वर्कर से स्लीपर सेल में कन्वर्ट हो चुके हैं। दूसरी तरफ ये वर्कर्स दूसरे स्टेट से आकर यहाँ रह रहे होते हैं, इसीलिए वो ऐसी किसी भी घटना को रिपोर्ट नहीं करते, क्योंकि उन्हें डर होता है कि स्टेट की पुलिस उनके खिलाफ कोई लीगल एक्शन ना उठा ले। कई केसेस में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के चलते भी इंडियन वर्कर्स स्लीपर सेल्स बन जाते हैं। दोस्तों, आपको याद ही होगा कि कुछ समय पहले जब कश्मीर में पत्थरबाजी काफी आम घटना हो गई थी, तब एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें लिखा था कि कश्मीर में पत्थर फेंकने वाले लोगों को यूपी और बिहार से या तो ब्रेन वॉश करके या तो पैसों का लालच देकर लाया जाता है। मतलब साफ है दोस्तों कि बेंगलुरु में एक्टिव ये स्लीपर सेल्स आज सिर्फ इस सिटी के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए खतरा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ सवाल ये भी है कि आज जब हमें इस पूरी समस्या की जड़ पता है, तो हम इसका समाधान क्यों नहीं कर पा रहे हैं? Why have intelligence agencies failed to catch these sleeper cells? दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि जब हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को पता है कि बेंगलुरु में इतने सारे स्लीपर सेल्स रह रहे हैं, तो फिर वो इन्हें पकड़ने के लिए कुछ क्यों नहीं करती? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम ये कि ऐसे स्लीपर सेल्स जो बेंगलुरु से ही बिलोंग करते हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करना तो तब तक पॉसिबल ही नहीं है जब तक वो किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो। तो ऐसे में हम सिर्फ उन स्लीपर सेल्स की बात कर रहे हैं जो बाहर से इलीगल माइग्रेंट्स के रूप में बेंगलुरु में आ रहे हैं, और इन्हें आइडेंटिफाई और अरेस्ट करने के लिए पहला बड़ा चैलेंज है इनके पास मौजूद फेक डॉक्यूमेंटेशन। दोस्तों, बेंगलुरु की पॉपुलेशन हर साल तेजी से बढ़ रही है और इसी बढ़ती पॉपुलेशन में मौजूद हैं वो इलीगल इमिग्रेंट्स जो स्लीपर सेल में मौजूद हैं, जिनका सही नंबर पता लगाना इस बढ़ती पॉपुलेशन के कारण मुश्किल नहीं है। एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट के मुताबिक आज बांग्लादेश से आए हुए 40,000 से ज्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स बेंगलुरु में रह रहे हैं, जिनके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड और यहाँ तक कि वोटर आईडी जैसे फेक डॉक्यूमेंट्स भी हैं। अभी कुछ टाइम पहले सूरत में एक 63 साल की बांग्लादेशी औरत मलिका सकीन सरदार भी पकड़ी गई थी, जिसके पास भी इसी तरह के फेक डॉक्यूमेंट्स थे। और उसमें यही कारण है कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए ऐसे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ रहने वाले स्लीपर सेल्स को डिटेक्ट करना और ट्रैक करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और दोस्तों, इसका दूसरा रीजन है पॉलिटिक्स। दोस्तों, हम देख रहे हैं कि बीते कुछ सालों में इमिग्रेशन का इशू इलेक्टोरल आउटकम्स पर खासा असर डालने लगा है। 2024 में इलेक्शन से पहले वेस्ट बंगाल के बीजेपी लीडर ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को ये मेमोरेंडम शेयर किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि वेस्ट बंगाल में 16 लाख से भी ज्यादा फेक वोटर्स हैं। कई रिपोर्ट्स के हिसाब से कई पॉलिटिकल पार्टीज अपने वोट बैंक के लिए बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल जैसी कंट्रीज से इलीगल इमिग्रेशन भी करवाती हैं, ताकि अपने वोट बैंक में ज्यादा से ज्यादा वोट्स को सिक्योर करके वो पावर में आ सके।
और दोस्तों यही रीजन है कि जिन पॉलिटिकल पार्टीज को इन इलीगल इमिग्रेंट्स का सपोर्ट प्राप्त है वो चाहती ही नहीं कि इलीगल इमिग्रेशन खत्म हो। और जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी इलीगल इमिग्रेशन के खिलाफ कोई कदम उठाना चाहती है तो वो पार्टीज उनके खिलाफ खड़ी हो जाती है। यानी अपीजमेंट पॉलिटिक्स के चलते देश की कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ कोई कदम उठाया तो एक सर्टन वोटर का सेगमेंट उन्हें वोट नहीं करेगा। यही नहीं, कई पॉलिटिकल लीडर्स इमिग्रेशन को की इशू के रूप में इस्तेमाल करते हैं ताकि उन्हें उन वोटर्स का समर्थन प्राप्त हो सके जो इमिग्रेशन के परसीव्ड इकोनॉमिक या कल्चरल इंपैक्ट से थ्रेटेंड फील कर रहे हैं। और दोस्तों, इसका तीसरा रीजन जिसकी वजह से हमारी एजेंसी इन स्लीपर सेल्स को नहीं पकड़ पा रही हैं वो है लैक ऑफ रिसोर्सेज। सबसे पहले बांग्लादेश या नेपाल में ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं दोस्तों जहां से बॉर्डर को क्रॉस करना काफी ईजी है। और दोस्तों, ये वही पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू इलीगल माइग्रेंट्स के बीच छुपकर स्लीपर सेल्स इंडिया में आ रहे हैं। दोस्तों, इन पॉइंट्स पर बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए करेंटली प्रॉपर रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है और दूसरी तरफ एक बार इंडिया में एंटर करने के बाद इन स्लीपर सेल्स के फर्दर मूवमेंट को आइडेंटिफाई या ट्रैक करना भी लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से मुश्किल हो जाता है। दरअसल करंट सिचुएशन में हमारी लोकल पुलिस के पास ऐसी टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज नहीं है जिसके जरिए वो लोगों को आइडेंटिफाई कर सके, क्योंकि मैनुअली सिर्फ बेंगलुरु की सिटी में ही 1,40,00,000 की पॉपुलेशन में से स्क्रूटनी करके 40,000 इलीगल इमिग्रेंट्स को खोजना बहुत मुश्किल काम है। और ऐसे में सवाल है कि आखिर कैसे बेंगलुरु को स्लीपर सेल्स के चंगुल से बचाया जा सकता है। हाउ कैन बेंगलुरु बी सेव्ड? तो दोस्तों, ऐसा करने के लिए सबसे पहले इंडिया को अपनी बॉर्डर की सिक्योरिटी को बढ़ाने की जरूरत है ताकि बाहर से आने वाले स्लीपर सेल्स के इस फ्लो को रोका जा सके। करंटली बांग्लादेश जिस पॉलिटिकल टर्मोइल से गुजर रहा है उसे देखते हुए इंटेलिजेंस एजेंसीज को शक है कि ये प्रॉब्लम आने वाले दिनों में फर्दर इंटेंसिफाई हो सकती है और ऐसे में हमें अपने सभी पोरस बॉर्डर्स को सिक्योर करने की जरूरत है। दूसरा स्टेप यहाँ इमिग्रेशन पॉलिसी को मजबूत करके उठाया जा सकता है और प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए ये साफ है दोस्तों कि इंडिया को एक कॉम्प्रिहेंसिव इमिग्रेशन पॉलिसी की जरूरत है जो माइग्रेशन के सभी एस्पेक्ट्स को एड्रेस करती हो। ऐसी पॉलिसी जिसके जरिए टेम्परेरी माइग्रेंट वर्कर्स, रेफ्यूजीज और इलीगल इमिग्रेंट्स को डिफ्रेंशिएट किया जा सके ताकि लीगल और इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म की मदद से हर ग्रुप से डिफरेंटली डील किया जा सके। साथ ही यहाँ हमें इस कॉम्प्रिहेंसिव इमिग्रेशन पॉलिसी की इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन की भी जरूरत पड़ेगी और हम US की तरह इलीगल इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अडॉप्ट करने की तरफ भी सोच सकते हैं ताकि प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले इमिग्रेंट्स को जल्द से जल्द आइडेंटिफाई और डिपोर्ट किया जा सके। यहाँ दोस्तों, अपने लोकल रिसोर्सेज को और मजबूत करना भी एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। और अगर हम स्लीपर सेल्स को पूरी तरीके से एलिमिनेट करना है दोस्तों, तो पुलिस को अपनी वेरिफिकेशन को और भी फुल प्रूफ बनाना पड़ेगा। इससे ये होगा कि जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स मैंगलोर शहर में रहने के लिए आ रहे हैं वो अर्ली स्टेज में पकड़े जाएंगे और रामेश्वरम कैफे जैसे सैड इवेंट्स को अकर होने से पहले ही रोका जा सकेगा। सिमिलरली, बिना प्रॉपर वेरिफिकेशन के इलीगल वर्कर्स को हायर करने वाले एम्प्लॉयर्स को भी सजा देना बहुत जरूरी है। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, इंडिया को NRC जैसे किसी ऐसे मैकेनिज्म की भी सख्त जरूरत है जो इंडियन पॉपुलेशन की स्क्रीनिंग कर सके और इलीगल इमिग्रेंट्स को आइडेंटिफाई कर सके। दोस्तों, टेररिज्म एक बड़ी समस्या है और उससे भी बड़ी समस्या है इलीगल इमिग्रेशन की शक्ल में स्लीपर सेल्स का ऐसे देश में एंट्री लेना। क्योंकि दोस्तों, टेररिस्ट तो सिर्फ बॉर्डर के उस पार से आकर हमला करते हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो हमारे और आपके बीच रहकर देश को खोखला कर रहे हैं। और दोस्तों, ऐसे में बेंगलुरु की इस स्लीपर सेल प्रॉब्लम पर आपकी क्या राय है जरूर बताइए अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।